बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। ये मेरे पास 2 फरवरी को आया था, 2 दिन का था। मेरा पिकअपू नाम था इसका। हाँ, देख सकते हैं ये मेरा पिकअपू है। आप इसके लिए दुआ करें, अल्लाह इसको सेहत ज़िंदगी दे मेरे शाने बेटे को। ये बीमार हो रहा है, अल्लाह इसको शिफाए कामला अल्लाह ता फरमाए, आमीन सुम आमीन। आओ मेरी जान, मेरा शाना बेटा, अल्लाह सही कर देंगे मेरे शहजादे को। अल्लाह ताला मेरे पिकअबू को शिफाए कामला अल्लाह अता फरमाए। मेरा बच्चा परेशान हो रहा है भाई। बंद मैंने इसको इसलिए किया हुआ है कि फिर ये कहीं चला जाएगा और फिर अल्लाह ना करे अगर इसके साथ कोई मामला होता है, तो मुझे कैसे पता चलेगा। और जैसे आप देख सकते हो इसकी हालत थोड़ी देर में ही ऐसी हो गई है। तो अच्छा हुआ मैंने इसको ऐसे बंद किया हुआ था। ये जो आपको इसके मुँह में ब्लू ब्लू दिख रहा होगा, ये मैं डॉक्टर के लेके गई थी तो उसने इसको जो है ट्रीट किया था, तो इस वजह से इसका जो फेस है वो ब्लू ब्लू और बॉडी ब्लू ब्लू हो रही है। खैर मैंने पूरी कोशिश की, अल्लाह बेहतर जानता है। और मैंने 2-3 दिन से ब्लॉग भी इसलिए नहीं बनाया क्योंकि पहले वो एक बीमार था। आपसे चले तो जा रहा नहीं है बेटा, मैं आपको कैसे बाहर तो निकालूं। इस वजह से मेरे पास जाहिर है मैं इनमें बिजी हूँ इनकी केयर करने में। तो साले मम्मी के बच्चे हैं ये सब। बेटे का मुंह खुला हुआ है, मैं इसका मुंह बंद कर दूं। मेरा शहजादे बेटा है, इसको तकलीफ हो रही थी बहुत। अल्लाह ने इसकी मुश्किल आसान कर दी। मेरा बेटा बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ है मेरा बच्चा। बेटा ये छोटा से मम्मी के बच्चे ऐसे ऐसे जादूगर लोगे, जानवर को नहीं छोड़ा, इंसान इंसान को क्या छोड़ेंगे। 21 को 1, 23 को 1, अल्लाह सबर दे। मम्मी तो बच्चे, मम्मी ने बहुत कोशिश की थी, डॉक्टर के भी लेकर गई थी आपको, मगर अल्लाह ने आपकी जिंदगी इतनी लिखी थी। मम्मी को माफ कर देना, मम्मी के लिए दुआ करना कि अल्लाह मरते वक्त मम्मी को कलमा नसीब करे, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और मेरी मौत आसान करे। आप तो इस फानी दुनिया से चले गए, मम्मी के लिए अल्लाह ताला से दुआ करना मेरा बच्चा। और ये जादू वाकई बरहक होता है, आप लोग भी इससे बचो, अल्लाह पाक हम सबको महफूज रखे, आमीन। और ये मेरा बेटा अल्लाह ताला के पास चला गया थोड़ी देर बाद, क्योंकि उस वक्त लाइट नहीं थी, काफ़ी लेट हो गए थे, 11:30 हो रहे थे, तो मैंने नहीं किया था इसको दफन। तो जब लाइट आई है तो मैंने जो है बच्चे को बुलाया है घर में से, और उसको बोला है कि यहाँ से ज़मीन खोद दो। तो वहाँ पर फिर मैंने इसकी जो है तदफीन की मतलब करने के लिए लेके गई, पहले उस जगह को मतलब खुदवाया, उसकी कब्र कहेंगे, कब्र खुदवाई। तो जाहिर है तकलीफ़ होती है, हम अपने अपनों को खोते हैं तो तकलीफ़ तो होती है। इतने में हस्बैंड भी आ गए थे, तो उन्होंने बच्चे को बोला कि तुम जो है वहाँ से केज ले आओ जिसमें वो है, मैं यहाँ से ये खुदाई कर लेता हूँ। इतने में ना तकलीफ़ होती है, एक के बाद एक मेरे बच्चे ऐसे मुझसे बिछड़ते जा रहे हैं, बिखरते जा रहे हैं। आप लोग प्लीज़ दुआ करें कि अल्लाह मुझे और मेरे बच्चों को महफूज रखे हासिदों से, जादूगरों से, जो मेरे लिए मेरे बच्चों के लिए, मेरे लिए चलो रख लो, मेरे बच्चों के लिए नफरतें मत रखो। तुम अल्लाह का वास्ता है, तुम्हें उस रसूल सल्लम का वास्ता है जिसके तुम जो है वास्ते देते हो, ड्रामे करते हो, उनका वास्ता है। मेरे बच्चों को बख्श दो। या आप देख सकते हैं थोड़ा सा कट गया था क्योंकि आधा एक घंटा ज़्यादा हो गया था, मैं आपको बता रही हूँ, लाइट नहीं थी और लेट हो गया था, 11:30 हो रहे थे। तो मैंने सोचा अच्छी बात नहीं है अकेले इस तरह से रोड में निकलना, तो ये आ गए थे, तदफीन कर दिए। अल्लाह इसको जन्नत में, तो मासूम है, जन्नत में ही जगह देगा, अल्लाह मुझे सब्र दे। आप देख सकते हो ये कुछ यादें हैं इसकी और मेरी।